राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है और दावा कर रही है कि कांग्रेस के राज में राजस्थान आपराधिक मामलों में देश में नंबर वन पर आ गया है। वहीं भाजपा के बयानों को लेकर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पलटवार किया है और राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया है। असम से कांग्रेस के सांसद गोगोई ने यह दावा किया है कि अपराध के मामले में भाजपा शासित मध्य प्रदेश की स्थिति राजस्थान से कहीं ज्यादा खराब है। जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में गोगोई ने कहा कि मध्य प्रदेश में अपराध राजस्थान की तुलना में कहीं ज्यादा है, लेकिन दुख की बात ये है कि भाजपा राजस्थान को बदनाम करने में तुली है। भाजपा ने लंबे समय से राजस्थान में बिगड़ी कानून व्यवस्था, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को निशाना बना रही है। गौरतलब है कि भाजपा के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कहा था कि राजस्थान में नाबालिग लड़कियों के साथ रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध सामने आए हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे किसी ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर देश में कहीं जंगल राज है तो राजस्थान में है। हालांकि गोगोई ने भाजपा के आरोपों को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को वापस लाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा, जब महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी, लेकिन भगवा पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। विधानसभा चुनावों को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात होगी कि जनता किसका समर्थन करती है और किस पार्टी को नकारती है। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।